पहले माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन नमन, और जो कुछ अपने कर रहे हैं, जिस दिशा में अपने बढ़ रहे हैं, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इंसान सिर्फ मिट्टी का बना होता है और उसमें खुद में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ये कहे कि ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब आपका उद्देश्य बड़ा पवित्र हो और आप नेक उद्देश्य के लिए कितना भी बड़ा कार्य हो, अगर आप ये ठान लेते हैं आपका उद्देश्य बड़ा नेक है और कार्य कितना भी बड़े, तो कार्य संपन्न होगा, ये तय है। सफ़र कितना भी लंबा हो सकता है पर उसमें सफलता जरूर है, एक दिन मिलती है। जिस विषय के लिए, जिस कार्य के लिए आज अपने यहाँ सारे उपस्थित हैं, उस चीज़ के बारे में एक बार आपको बता दूँ कि जो आपका द्वितीय श्रेणी का बैच जो चल रहा है, जिसमें एक पार्ट सामान्य धन जीके खंड का है और एक पार्ट जो है विषय को लेकर, जिसमें विषय सामाजिक भी हो सकता है, विषय हिंदी भी हो सकते हैं, तो अपनी कार्य प्रणाली, जैसे आप सभी विद्यार्थियों को पता भी है और जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है, नए हैं या जो इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि भी किसी भी कार्य को करने के लिए, वो कोई भी कार्य हो सकता है, मैं हमेशा उदाहरण किसानी से लेकर चलता हूँ। क्यों लेकर चलता हूँ? कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, मेरे पिता जो है वो किसान रहे हैं, तो मैं हमेशा एक किसान का एग्जांपल लेता हूँ कि उससे बड़ा कोई मोटिवेटर, उससे बड़ा कोई प्लानर जो है योजनाकार नहीं हो सकता विषम और विकट परिस्थितियों में। कि कैसे कि किसान ने पहले ही ये सोच लिया कि जब माह जो है मई जून का है, तो वो ये उस समय भी वो कार्य करते हैं, क्या सोचते हैं वो, इस पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है कि इस बार मानसून अच्छा आएगा, चाहे मौसम विज्ञान कितनी भविष्यवाणियां कर दे, फिर भी वो ऐसा सोचता है कि इस बार मानसून अच्छा होगा, मानसून अच्छा होगा तो मेरी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उससे अच्छी उपज होने पे भी मेरे जो कार्य है मैं उनको कर पाऊँगा, तो तभी से वो खेत को सुवारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको सूड़ निकालना अपना कहते हैं। तो मई जून के महीने में भी, चाहे वो उस तेज गर्मी में काम कर पाना 12 घंटे 8 घंटे बड़ा मुश्किल है, तो सुबह वो 4 बजे खेत पहुंच जाते, तो सुबह 5 से लेकर उसने 8 बजे तक मौसम अनुकूल था तो कार्य उस व्यक्ति ने कर लिया, फिर विश्राम कर लिया, फिर सायंकाल में या संध्या के समय फिर उसके मौसम थोड़ा अनुकूल हुआ तो 5 से लेकर 8 तक उस आदमी ने काम कर लिया, और इसी आशा के अनुसार कि मानसून आएगा। तो इससे किससे जोड़ सकते हैं आप? वैकेंसी से जोड़ सकते हैं कि भर्तियां आएगी। कोई कितना ही कह दे, कितने उदाहरण निकाल दे कि सारा प्राइवेट हो जाएगा, वैकेंसीज आएगी नहीं, अभी तो कोई संभावना नहीं है, बजट में कोई घोषणा नहीं है, फिर भी हमने उस एक आशावान किसान को सामने रखना है कि उसने हर ओर से सुना है कि फसलों के दाम अच्छे नहीं हैं, फसलों में रोग बहुत लग रहे हैं, कि पेपर आउट हो रहे हैं, उसे जोड़ सकते हैं। तो ऐसे सुन लिया कि फसलों में रोग बहुत लग रहे हैं, फिर भी वो खेती उसने करनी ही है, तो उसे उन्हीं किसान के बच्चे हैं हम, तो हमने भी हमारे अंदर वो चीज़ें उतारनी है और बड़ा पॉजिटिव होकर हमने कार्य करना है। तो हमारे जो भी बैचेज रहते हैं उनकी पहले एक कार्य योजना तैयार होती है कि हमने ये कार्य कितने दिन में पूरा कर लेना है, कि हम इस काम को पूरा करते हैं 78-80 दिन के अंदर भी फिक्स ही, और पूरे पाठ्यक्रम को कितने यूनिट में डिवाइड करते हैं? 30 यूनिट में। 30 यूनिट को हम कैसे पढ़ते हैं? पहले एक सप्ताह में 3 यूनिट, फिर दूसरे सप्ताह में 3 यूनिट, फिर तीसरे सप्ताह में 2 यूनिट, टोटल 8 यूनिट के पेपर छोटी यूनिट में, जिनमें प्रश्नों की संख्या 50 रहती है, और उसके बाद में जो सिलेबस हो चुका है उसका कंप्लीट एक मेजर पेपर, तो दो बार दोहरा मूल्यांकन हमारा होता है। और होने वाला मेजर पेपर, जैसा आप सब बच्चे एग्जाम देते हैं कि OMR शीट पर फिर स्कैन करके नकारात्मक अंकन के बाद में परिणाम जारी किया जाता है, तो इस 11 फरवरी को जो एक पेपर लिया गया और उसमें सामाजिक अध्ययन और जीके पेपर का जो परिणाम रहा, उसके बारे में मैं बता दूं कि जीके का जो पेपर था वो क्रम संख्या 15, मेजर पेपर जो है वो है, और इसमें कुल विद्यार्थी जो है 200 के आसपास उपस्थित थे। उन 200 विद्यार्थियों में जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा या स्थान हासिल किए, तो हमारी एक परंपरा रहती है कि जैसे आप सभी अध्यापक बन के विद्यालयों में जाएंगे तो आप भी क्या करेंगे, अपनी कक्षा के विद्यार्थी जो कि किसी कारण पीछे हैं या आगे हैं, तो दोनों को मोटिवेट करना है, पीछे हैं उनको भी मोटिवेट करना है और आगे हैं उनको और प्रोत्साहन देना है कि वो और आगे बढ़े, और पीछे है उसको भी प्रोत्साहन देना है कि वो मेहनत करे, वो भी उनके बराबर आए। तो जो विद्यार्थी ऊपरी स्थान हासिल करते हैं उन्हें पारितोषिक के रूप में संस्था की तरफ से
एक पेन भेंट किया जाता है और वो उस पेन से ये सीखे कि इस पेन का मैंने यूज़ कब करना है, जब मैं शिक्षक बन जाऊंगा तो मेरा पहला हस्ताक्षर जो रजिस्टर में होगा राज के सेवा में मैं इस पेन से ही करूं। तो इस परंपरा में मैं नाम लेना चाहूंगा, जो विद्यार्थी पेपर संख्या 15 11 फरवरी में पहला स्थान जिसने हासिल किया है उनका नाम है रानी छिंपा। तो रानी को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा कि आप मंच पे आएं। और अगली कड़ी में जो है मुकेश अगर यहाँ है तो वो भी तैयार रहे, वो भी आगे की ओर आ जाएं। इसी कड़ी में एक अगला नाम है देवेंद्र सिंह का, तो देवेंद्र सिंह भी अगर यहाँ है तो आगे की ओर आ जाएं। तीनों विद्यार्थी जो है, और एक नाम जो है मैं लेना चाहूँगा इस कड़ी में सचिन का, तो सचिन भी अगर यहाँ है तो वो भी यहाँ पर आ जाए। तो तीनों विद्यार्थी, चारों के चारों विद्यार्थी जो हैं आप एक पंक्ति में खड़े हो जाएं सामने की तरफ मुंह करके। इस परंपरा में हमारा जो सहयोग करने का कार्य जो कर रहे हैं, मैं बुलाना चाहूंगा करण जी को। करण जी आप इधर आए। करण जी जो है इन्होंने सूरतगढ़ में कलाम बुक डिपो के नाम से एक पुस्तक भंडार जो है वो संचालित कर रहे हैं सूरतगढ़ में, और बहुत से काफ़ी बुक स्टोर जो है वो सूरतगढ़ में है। तो करण जी ने खुद चल के ये बात कही कि सर मेरी ऐसी एक हार्दिक इच्छा है कि जो विद्यार्थी पहला दूसरा तीसरा स्थान हासिल करते हैं उनको मैं अपने संस्थान से जो है कलाम बुक डिपो की तरफ से जो है ये पेन जो है उपलब्ध करवाऊंगा मैं। तो इस बात के लिए भी मैं करण जी का स्वाध्याय की तरफ से तहे दिल से हार्दिक जो है वो स्वागत करता हूँ। संस्था की शिक्षक टीम जो है मैं उनसे कहना चाहूँगा, अंकित सर, विद्यार्थियों को आगे, विनोद जी सर, सर बच्चों को आप जो है, करण जी आप भी आगे की ओर आ जाएं और विद्यार्थियों को जो है ये पेन आप भेंट करें, इनके साथ आप आ जाए, है ना। करण जी थोड़े से आप इधर हो जाएं जी, ठीक है, सामने की ओर देखें आप। और फोन नहीं है क्या किसी के पास में, फोटो लेने का काम नहीं करते हो? अरे कम से कम फोटो तो क्लिक करनी चाहिए ना, कि आप इनको शेयर भी करें, इनको भेंट भी करें, फोटो क्लिक करें। मोबाइल फोन इसी अच्छे कार्य के लिए होते हैं, सबने ये चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन में, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि मेरी इसमें फ़ोटो नहीं है तो मैं फ़ोटो क्यों खींचूं, खींचनी चाहिए आपने। आप मुझे भेजना, फिर ये कि मैं खींच लूँगा तो किसे भेजूँगा, आप मुझे भेजना अपना नाम लिख के कि ये फ़ोटो मैंने क्लिक की है ना। तो जिन जिन के पास फ़ोन है वो फ़ोटो क्लिक करें और मुझे भेजना, मैं देखूँगा कल कितने विद्यार्थियों को मेरे पास में फ़ोटो चाहिए। बस उन्हीं के मोबाइल अलाउ करेंगे हम, बाकी के नहीं। तो पुनः आपको एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं जी। प्रथम रैंक है रानी ने हासिल किया, तो मैं रानी को बुलाना चाहूँगी, आप इधर आए। हाँ इधर आ जाइए, बाकी आप विद्यार्थी खड़े रहें कोई बात नहीं, यहाँ हाँ ऊपर आ जाइए कोई बात नहीं। ये लीजिए माइक, दो चार चीज़ें पूछ रहा हूँ मैं, बताना आप मुझसे, इसको पकड़ लीजिए। पहले तो आप अपना नाम बताओ। रानी छिंपा। रानी छिंपा आपका नाम है, कहाँ से बेटा आप? चाहिया से, राउत सर। अच्छा चाहिया राउत सर से आप हैं। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ टेस्ट देते हो, लगभग एक महीना या दो महीने, कितने महीने? फर्स्ट जनवरी को। एक जनवरी से आपने स्टार्ट किया है, जब से हमने एक नया बैच जिसको हाँ, स्टार्ट किया तब से आपने स्टार्ट किया। एक जनवरी से लेकर अब तक आपने कितनी छुट्टी रखी? एक ही। एक जनवरी से आज तक लगातार जो है अपने 22 तारीख तक जो है इन्होंने एक ही अवकाश, 22 फरवरी तक इन्होंने एक ही अवकाश जो रखा है। और अब से पहले अपने थोड़ी सी जो बात कर रहे थे विद्यार्थियों से कि सिलेक्शन के लिए किसी भी कार्य में सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें नियमितता, रेगुलर अगर हम उस कार्य में अभ्यस्त जो रहेंगे तो सफलता जो है अर्जित करेंगे। तो शेड्यूल बताएंगे खुद का, नियमित पढ़ने का जो है, और भी बच्चे हैं जिनके मन में ये बात रहेगी कि हम रैंक पहली हासिल कर रहे हैं तो कैसे हासिल करें, क्या शेड्यूल रहता है मॉर्निंग से इवनिंग तक का आपका पढ़ने का? सर यही है कि सुबह के टाइम मेरा सब्जेक्ट निकालती हूँ मैं। सुबह कितने बजे जग जाते हो? 5:30। 5:30 बजे। तो आप इनको कितने बजे, जो आपके साथ ही हैं जो पढ़ने वाले हैं उनको कितने बजे का बोलेंगे, वो ये कितने बजे जगें?
सर वो तो खुद की डेली की दिनचर्या होती नहीं, है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई आपसे पूछे कि मैं कितने बजे उठ के पढूं, तो आप कितने बजे कहोगे इनको? अगर नाइट में कोई 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, अगर रात को अगर 12 बजे तक आप पढ़ रहे हो, तो सुबह 5:30 उठ, तो 5 बजे तक आप जग जाएं, क्योंकि 5-6 एक जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, वो एक बार में 5 घंटे से ज्यादा नींद ना ले, कोई 8 घंटे अगर सो रहे तो नहीं सर, वो भी जरूरी नहीं है, दिन में भी अगर रेस्ट की जरूरत हो तो। हाँ, दिन में अगर आप 1-2 घंटे आराम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और रात को कब तक पढ़ते हैं फिर? 12 बजे शेड्यूल कंप्लीट हो जाता है। तो जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हमारी भी रैंक आए, तो वो ये देख ले, पहले तो ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि रात को 12 बजे तक पढ़ें, सुबह फिर 5 बजे जगह फिर पढ़ने बैठ जाएं। ऐसा करेंगे तो आपकी भी पहली रैंक जो है हासिल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, पधारें आप, बैठें वापस। तो SST में जिन विद्यार्थियों का स्थान जो रहा है, उनको बुलाना चाहूँगा कि आप भी विराजें। मोहित सारन जो है, मोहित को बुलाना चाहूँगा, मोहित अगर यहाँ पे है तो। और मोहित, मोहित की रैंक जो है वो 3री रैंक है। पहली रैंक भूपेंद्र जी की है, जो आज उपस्थित नहीं है। देवेंद्र जी की रैंक थी, तो देवेंद्र जी को जीके वाले पेपर में सम्मानित कर दिया गया है। सचिन की 4थी रैंक थी, तो सचिन को भी सम्मानित कर दिया गया है। पुलकित है क्या क्लास में? कौन है पुलकित? आपका कौन सा स्थान था? अच्छा, आ गया आपका नाम, ठीक है। एक विद्यार्थी उपस्थित है, दीजिए पेन। ठीक है मोहित, बैठे। सर बिराज आप ले लीजिए स्टूल, बैठ करण, बैठो आप। तो अन्य जो विद्यार्थी, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, अगली बार खुद जो है ये चीज़ें किस लिए होती है, अगर किसी विद्यार्थी को सम्मानित करना भी, उनकी हौसला अफजाई हो, ठीक है, कि उनको ये लगे कि हमें ये रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रखना है। ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारण से थोड़े से पीछे रहे हैं, वो ये प्रयास करें कि अगली बार हम थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करें और हम भी इस जगह पहुँचें अगली बार। तो सब ने ये अपने लिए एक टारगेट ये चुनना है कि अगली बार जो है आपका नाम भी यहाँ पर हो। पुनः उन्हीं बातों को रिपीट करना चाहूँगा मैं कि आपका बैच जो है जीके का 5 नंबर है वो कंप्लीट हो रहा है। 3 मार्च से पुनः अपने नए सिरे से बैच आरंभ कर रहे हैं। जो विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं चाहे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, आपको नियमित रहना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार हमारा रिविजन हो गया तो हम मूव आउट कर जाएँ, मूव नहीं करना है आपने, और रेगुलर रहना है आपने। कब तक? एग्जाम तक। तो तब तक चाहिए 5 रिवीजन और चाहिए वो 10 रिवीजन हो, आपने लगातार जो है वो रिवीजन करने, क्लास कोई ना छोड़े। तो 3 मार्च को बड़ा पेपर भी है, और बड़े पेपर के दिन से ही अपने क्या कर रहे हैं, SS का 3rd बैच और GK का 6ठा बैच जो है वो रन कर रहे हैं। तो आप विद्यार्थियों ने रेगुलर रहने, नए विद्यार्थी भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो 3 से पहले आकर जो है वो बैच ज्वाइन करें। और हर विद्यार्थी, एक नया प्रवेश, कौन कौन करवाएगा हाथ ऊपर करना, ये टारगेट पूरा करेगा, बस इतने ही लोग, बाकी नहीं करेंगे। पूरा करो ना, फोटो में आए आपका जो है फेस भी आए। नहीं नहीं और नए बैच में एक और करवाना है ना, ठीक है ठीक। तो नए बैच में भी एक एडमिशन करवाना है एक विद्यार्थी ने जो है, और मैं व्यक्तिगत पूछूंगा अभी किस विद्यार्थी का एडमिशन करवाया आपने, ठीक है। पुनः धन्यवाद आपका।